मुंब्रा के रेती बंदर में कांग्रेस की तरफ से 10वीं और 12वीं के छात्रों को बुक, कलम, बैग वगैरह बांटे गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता नीलेश पाटिल ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें पूर्व नगर सेवक गुरुनाथ पाटिल, मोतीराम भगत और अन्य तमाम लोग मौजूद रहे। बड़ी संख्या में 10वीं और 12वीं के छात्र भी यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्हें बुक, कलम, बैग वगैरह दिया गया। इस दौरान नीलेश पाटिल, गुरुनाथ पाटिल ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। जी ऐसे ही, अभी जैसे ही हमने 10वीं और 12वीं के लोगों को सर्टिफिकेट से लेके उनको बुक हम लोग बांटे, वही उसी तरह से अभी जो भी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक जितने भी बच्चे लोग हैं उनके लिए भी हम लोग ऐसे ही, हमारे कमेटियाँ भी वही डिसाइड कर रही थी कि उनके लिए भी अभी अपने कुछ करना है, क्योंकि उनको जो गरीब बच्चे लोग हैं जिनका जो दिन में काम करने वाले इनके पिताजी रहते हैं, दिन में कमाते और खाने वाले लोग हैं, उनके लिए भी हम लोग आगे चल के ऐसे ही कुछ दिन के बाद में ऐसे प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लोगों को बुक्स मिले, एजुकेशन के लिए प्रोत्साहन मिले और ऐसे कार्यक्रम करेंगे। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा ब्लॉक अध्यक्ष के तरफ से, पहली बात के मैं इतना खुश हूँ कि आज लगभग रेती बंदर राणा नगर इस विभाग से लगभग 100 विद्यार्थी 10वीं और 12वीं में इतने बेहतरीन यहाँ पे इन लोग ने प्रमोशन किया, यानी 10वीं के 11वीं में गए, 12वीं के फर्स्ट ईयर में गए, तो आज जो मुझे यहाँ पे इतनी खुशी हुई। कार्यक्रम में आप भी आए थे, क्या बताना? ये प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम की खास करके रेती बंदर जैसे इलाके में बहुत जरूरत है। बच्चों को स्टडीज के लिए इंस्पायर करना, प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है, और नीलेश पाटिल सर, मोतीराम सर, गुरुनाथ सर, इन सब के नेतृत्व में ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। ये जो बच्चे हैं, हमने आज ये प्रोग्राम में ये भी बताया कि अगर किसी भी मसले पर, फीस का मसला हो या कल को उनको किसी दूसरे कॉलेज की लिस्ट में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो उनकी मदद के लिए हम लोग उनको एडमिशन भी प्रोवाइड करेंगे। BS जोन में कॉलेज है और जो भी कॉलेज में एडमिशन प्रोवाइड किया जा सकता है हमारे थ्रू, उनको एडमिशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी बच्चे का पढ़ाई लिखाई के बारे में साल बर्बाद नहीं होगा, और आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे, किए जाएंगे, ताकि बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और सुविधाएं मिल सके।